नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्या। प्रदीप आर्य के घर पहुंची दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीमें दिन भर हनीप्रीत का सुराग ढूंढने में लगी रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। और हनीप्रीत की तलाश के लिए ही पुलिस की टीम हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य के घर दिल्ली के लाजपत नगर में पहुंची। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी जुटाने पहुंची जिसमें हनीप्रीत के होने का दावा किया जा रहा है। सोमवार दोपहर की सीसीटीवी की कुछ तस्वीरों में एक नकाबपोश महिला एक आदमी के साथ तेजी से चलती हुई वकील के दफ्तर में जाती हुई दिखी थी। माना जा रहा है कि पुलिस वालों को चकमा देते हुए हनीप्रीत ही नकाब पहनकर वकील के पास पहुंची थी, इसलिए पुलिस अब प्रदीप आर्य के जरिए हनीप्रीत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वकील प्रदीप आर्य के घर पहुंचकर भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद प्रदीप आर्य भी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस को लगता है कि किस्मत हनीप्रीत के साथ है। किस्मत से अभी तक उसमें उसको गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस को, पंचकुला पुलिस को सफलता अभी तक नहीं मिली है। हालांकि पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि हनीप्रीत दिल्ली में रहकर ही पुलिस वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। बेनामी संपत्ति मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में बेनामी संपत्ति मामले के लिए एक विशेष टीम बनाई गई जो लालू और उनके परिवार समेत करीब 100 लोगों की जांच करेगी। आतंकियों को फंडिंग के मामले में कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के करीबी असलम वानी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। दिल्ली की 30,000 अदालत पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में 11 आरोपी पूर्व सांसदों पर 14 अक्टूबर को आरोप तय करेगी। पीएम मोदी ने 22वीं प्रगति बैठक के दौरान सड़क, रेलवे और ऊर्जा समेत 9 क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा की। सीबीआई ने आदर्श घोटाले से कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का नाम हटाने को अपनी बड़ी भूल मानते हुए उनके खिलाफ नया सबूत हाथ लगने का दावा किया। मुंबई पुलिस ने नवजात बच्चों को कम कीमत पर खरीदकर जरूरतमंद परिवारों को लाखों रुपए में बेचने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन का लुक जारी कर दिया गया जिसमें वो काले रंग की पगड़ी में नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन धूम 2 के बाद यशराज फिल्म्स के साथ 11 साल बाद फिल्म में काम करेंगे जिसमें टाइगर श्रॉफ भी होंगे। गुजरात में चुनावी यात्रा पर निकले राहुल गांधी का एक जनसभा में गुजराती पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने यशवंत सिन्हा के एक लेख का हवाला देते हुए सरकार पर अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। इससे पहले चुनावी मंच पर पहुंचे राहुल गांधी का स्वागत यहां के कांग्रेस नेताओं ने गुजराती पगड़ी पहनाकर किया, जिसके बाद राहुल गांधी भाषण देने आए और केंद्र सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के एक लेख का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा कि बीजेपी में सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है, मगर कोई बोलना नहीं चाहता है क्योंकि सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने भाषण के बाद ट्वीट भी किया और यशवंत सिन्हा के लेख के हवाले से सरकार पर तंज कसा। राहुल ने लिखा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके को पायलट और वित्त मंत्री बोल रहे हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और मजबूती से जगह पकड़ लीजिए क्योंकि हमारे प्लेन के पंख गिर चुके हैं। इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के एक लेख को आधार बनाकर सरकार पर हमला बोला, जो लेख यशवंत सिन्हा ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के लिए आई नीड टू स्पीक अप नाउ, यानी मुझे अब बोलना ही होगा के शीर्षक से लिखा है। इस लेख में सिन्हा ने लिखा कि मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने में नाकाम हो जाऊंगा अगर मैंने अब भी वित्त मंत्री द्वारा की गई अर्थव्यवस्था की दुर्गति के बारे में नहीं बोला। बीजेपी के लोग डर की वजह से नहीं बोल रहे, नोटबंदी ने गिरती जीडीपी में आग में तेल डालने की तरह काम किया। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने बेहद करीब से गरीबी देखी है, उनके वित्त मंत्री दिन रात लगाकर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि सभी भारतीय भी उतनी ही करीब से गरीबी देख लें। हालांकि लेख प्रकाशित होने के बाद यशवंत सिन्हा ने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन न्यूज 18 इंडिया से ऑफ कैमरा बात करते हुए सिन्हा ने यह जरूर कहा कि जो भी उन्होंने लिखा है वो ठीक लिखा है, अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी दोहरी मार की तरह है, मैं कुछ दिन इंतजार करूंगा और फिर बोलूंगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, जिसके बाद विपक्ष के हमलों का सिलसिला भी तेज हो गया। यशवंत सिन्हा जी ने सच्चाई का आईना अपनी खुद की सरकार यानी मोदी सरकार को दिखाया है। नौसिखिया वित्त मंत्री और एक स्वयंभू प्रधानमंत्री
एक मजबूत अर्थव्यवस्था का भी सत्यानाश कर सकते हैं। कांग्रेस ने सरकार पर बिना तैयारी के जीएसटी को लागू करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। हालांकि बीजेपी नेताओं ने यशवंत सिन्हा के बयान पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान पर निशाना साधा। इस कड़ी में बीजेपी ने अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के आरोप सिरे से खारिज कर दिए। भारत का इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, कोई जिम्मेदार था पूर्व में तो वो कांग्रेस की सरकार थी। वहीं केंद्र सरकार का बचाव एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने भी किया। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सरकार ने स्वयं माना है कि कई दिक्कतें आई हैं। वित्त मंत्री इसके प्रबंधन और नियोजन में लगे हुए हैं। बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा के आरोपों पर खुलकर बयानबाजी से बचते दिखे, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी की दलीलें उसके काम नहीं आई, क्योंकि यशवंत सिन्हा के लेख ने विपक्ष को हमले का बड़ा मौका दे दिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी सरकार घिर गई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी यशवंत सिन्हा के लेख पर ट्वीट किया और लिखा, यशवंत सिन्हा ने सत्ता को सच बयां किया है, क्या सत्ता अब ये सच स्वीकार कर सकेगी कि अर्थव्यवस्था डूब रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता आशीष खेतान के ट्वीट को रीट्वीट जरूर किया, जिसमें खेतान ने लिखा कि देश को जानना चाहिए कि अरुण जेटली का हर दूसरा दिन दिल्ली की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ केस लड़ते हुए बीतता है। मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर दे रहे हैं। राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ खबर दिखाने पर न्यूज 18 इंडिया को एक धमकी भरा खत मिला। ये खत डेरा सच्चा सौदा की कुर्बानी विंग की तरफ से लिखा गया। हिंदी में लिखे गए इस खत में न्यूज 18 इंडिया के अलावा कुछ और टीवी चैनल को भी धमकी दी गई। इस खत में डेरे के खिलाफ बोलने वाले पूर्व डेरा समर्थकों और पत्रकारों के साथ हरियाणा पुलिस के 3 अफसरों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। खत में बताया गया है कि राम रहीम के लिए करीब 200 युवक मरने के लिए तैयार हैं और वो राम रहीम को बदनाम कर रहे लोगों को खत्म कर देंगे। दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पी चिदम्बरम अचानक सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि पत्रकारों ने उनसे म्यांमार में भारतीय सेना की ताजा कार्रवाई पर सवाल पूछ लिया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार हर चीज को सर्जिकल स्ट्राइक कह देती है, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी चिदम्बरम सर्जिकल शब्द का ही मजाक उड़ाने लगे। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे विश टू रीनेम व्हाट दे डू सर्जिकल, दे विश टू रीनेम दैट, दे मस्ट फाइंड अनदर वर्ड, एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज अ सर्जिकल स्ट्राइक। चिदम्बरम ने दावा किया कि ऐसी कार्रवाई सेना पहले भी करती रही है। दिस हैपेंड बिफोर, इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स व्हेन आई वाज होम मिनिस्टर, दिस हैपेंड बिफोर। इफ यू आस्क अडवाणी जी, ही विल टेल यू द सेम थिंग। हालांकि सेना ने अपनी इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बताया। भारतीय सेना ने यह हमला नागा आतंकियों के खिलाफ किया, जिसमें आतंकियों को ढेर करने में सेना कामयाब रही। दोपहर में सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि सुबह 4:45 पर भारत म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सैनिक गश्त लगा रहे थे, तो कुछ आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में NSCNK यानी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के आतंकियों के कई कैंप भी तबाह हुए। इस हमले में नागा आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा। इससे पहले साल 2015 में भी भारतीय सेना ने म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब सेना की इस जवाबी कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाने लगा, जबकि सेना या सरकार ने अपने बयान में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सुरक्षा मामलों से जुड़े जानकारों ने भी सेना की इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं माना। इसको क्लासिकल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं गिना जाएगा, ये ऑपरेशन अपने देश के अंदर किया गया, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है जैसे हमने पिछली बार किया था, वो बेबुनियादी है, ये भारत के सीमा के अंदर हुआ था। लेकिन केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने गोलमोल जवाब दिया और इसकी तुलना करते हुए POK की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर दिया। What has been done in the Pakistan border previously and what has been done today and in the future also, similar actions if needed will be taken by this government. म्यांमार सीमा पर हुई इस कार्रवाई में सेना का कोई भी जवान जख्मी तक नहीं हुआ। पूछताछ के लिए CBI ने कार्तिक चिदम्बरम को नोटिस दिया। CBI ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को बुलाया है। राज ठाकरे की पार्टी MNS दशहरा पर महंगाई का रावण जलाकर केंद्र सरकार का विरोध करेगी। राजस्थान के पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस ने 26 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की। योग गुरु बाबा रामदेव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने से इनकार किया।
चुनावी खर्च का सही ब्यौरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर 3 साल के लिए रोक लगाया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने विरोधियों से लड़ने के लिए सोशल मीडिया फोर्स का गठन किया। महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर से किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की शुरुआत कर सकती है। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रसिद्ध चोटीला माता मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और चुनावी दौरे में दूसरे बड़े मंदिर में पूजा पाठ किए, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी के मंदिर दर्शन को ढोंग करार दे दिया। लेकिन बीजेपी के हमलों से बेपरवाह राहुल गांधी राजकोट के पास मशहूर चोटीला माता मंदिर तक 650 सीढ़ियां चढ़कर पैदल पहुंचे और मंदिर में पूजा पाठ किया। इससे पहले राहुल गांधी की चुनावी बस मंदिर के गेट के बाहर रुकी, जिससे राहुल गांधी जैसे ही बाहर निकले उनका स्वागत पगड़ी और रंग बिरंगी जैकेट पहनाकर किया गया। यहां राहुल गांधी को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने मंदिर की ओर रुख किया और सीढ़ियां चढ़ने लगे। बीच में राहुल को एक जगह थकान लगी तो वो रुक गए और लोगों से बात करने लगे। इस दौरान एक बच्ची से भी राहुल ने बात की और फिर आगे बढ़े। मंदिर में पहुंचकर राहुल गांधी माता चामुंडा की मूर्ति के सामने खड़े हुए और पूजा की। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने गुजरात दौरे की शुरुआत द्वारकाधीश मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान से की थी। ऐसे में जब राहुल ने दोबारा मंदिर का रुख किया तो सियासी माहौल भी गर्मा गया, क्योंकि बीजेपी ने राहुल के मंदिर दर्शन को कांग्रेस की नई चाल करार दिया। आज उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आने वाले चुनाव हैं, देश में कुछ महत्वपूर्ण चुनाव हैं। हालांकि बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने भी पलटवार किया और राहुल के मंदिर दर्शन को कांग्रेस की परंपरा से जोड़ा। कांग्रेस की तो ये परंपरा रही है कि हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह गुजरात के मंदिरों का लगातार दौरा किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उसकी छवि हिंदू विरोधी न बने। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से जो फोटो दिखाया गया उसके लेकर अब यूएन में इसको लेकर बदनाम करने की कोशिश पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने इस पूरे मुद्दे का पर कड़ा रुख दिखाया है और पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का संकेत दिया। उनके हिसाब से संयुक्त राष्ट्र में फर्जी तस्वीर दिखाने के लिए प्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। इससे पहले आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की फटकार के बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने भी एक लड़की की तस्वीर दिखाई और उसे पैलेट गन से जख्मी हुई एक कश्मीरी लड़की बताया, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश किया और बताया कि यह तस्वीर गाजा की एक लड़की की है जो इसराइल के हमले में जख्मी हुई थी। I want to use but not misuse my position of the president of the General Assembly, but I will certainly think about your suggestion. कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने के अंदर ही घमासान मच गया। हालांकि कमलनाथ ने आखिरी फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया, लेकिन पत्रकारों से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने खुलकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने की वकालत की। कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ को पता था कि उनके बयान से हलचल मचेगी, लिहाजा उन्होंने आखिरी फैसला आलाकमान के हाथ में होने की बात कही। हालांकि कमलनाथ के बयान पर पार्टी साफ बोलने से फिलहाल बच रही है। मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव होने, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने वाला बयान ऐसे वक्त में आया जब दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा पर हैं और अब तक दिग्विजय सिंह खुद को सूबे की राजनीति से अलग बताते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खुद को एक बार फिर सीएम की दौड़ में शामिल होने से परहेज भी नहीं है, लिहाजा कमलनाथ के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिसके मनोनीत कर देंगे, हम सब उनको भरपूर समर्थन देंगे। हालांकि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के लिए चुनौती नहीं मानती। देश की जनता भी कांग्रेस को मुक्त लगभग कर चुकी है और पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त होगी। कमलनाथ के बयान से मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत पूरी तरह गर्मा गई। बिना सच्चा सौदा की फैक्ट्रियों की बिजली रोकी गई। 29 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाने पर हरियाणा बिजली विभाग ने डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में 21 फैक्ट्रियों की बिजली रोक दी। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल जाते हुए लापता हुए छात्र का शव तालाब से मिला, लेकिन साथ गए पिता का कोई पता नहीं। मुंबई पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाली महिला को गिरफ्तार किया।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग लड़की को अगवा कर 9 महीने तक गैंगरेप का आरोप लगा है। दिल्ली की महिला को जबरन गाड़ी में बैठाकर बीकानेर ले जाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। अमरनाथ जी, दिग्विजय सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिसके को मनोनीत कर देंगे, हम सब उनको भरपूर समर्थन देंगे। हालांकि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के लिए चुनौती नहीं मानती। देश की जनता भी कांग्रेस को मुक्त लगभग कर चुकी है और पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त होगी। कमलनाथ के बयान से मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत पूरी तरह गर्मा गई। बिना सच्चा सौदा की फैक्ट्रियों की बिजली रोकी गई। 29 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाने पर हरियाणा बिजली विभाग ने डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में 21 फैक्ट्रियों की बिजली रोक दी। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल जाते हुए लापता हुए छात्र का शव तालाब से मिला, लेकिन साथ गए पिता का कोई पता नहीं। मुंबई पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग लड़की को अगवा कर 9 महीने तक गैंगरेप का आरोप लगा है। दिल्ली की महिला को जबरन गाड़ी में बैठाकर बीकानेर ले जाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के एक बालिका आश्रम में कर्मचारियों पर 6 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। भूकंप से मची तबाही के बाद मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी एक नए खतरे का सामना कर रही है। मैक्सिको सिटी के बाहर पोपो कैपिटल ज्वालामुखी ने लावा और राख गलना शुरू कर दिया। इस ज्वालामुखी के 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 2.5 करोड़ की आबादी रहती है। पिछले हफ्ते मैक्सिको सिटी में आए भूकंप में 337 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि मैक्सिको की नेशनल डिजास्टर प्रिवेंशन एजेंसी के मुताबिक ये ज्वालामुखी भूकंप की वजह से सक्रिय नहीं हुआ है। साल 1994 से ही ये ज्वालामुखी लावा उगलता रहा है। तो ये ज्वालामुखी आपको बता दें 1994 से ही सक्रिय है और तब से ही ज्वालामुखी का लावा ये उगलता रहा है और भूकंप की वजह से ये सक्रिय नहीं हुआ है, ये भी इसमें कहा गया। आपको बता दें पिछली बार मैक्सिको सिटी में जब भूकंप आया जिसमें 337 लोगों की मौत हुई थी, हालांकि वजह ये कही जा रही थी कि क्या ये भूकंप की वजह से ही ये जो ज्वालामुखी है ये उभर कर सामने आया, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि भूकंप की वजह से ही सक्रिय नहीं हुआ। आज की ताजा खबर में इतना ही। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम देते हुए बीएसएफ के जवान के घर में घुसकर हत्या की। पाकिस्तान में छिपे बैठे डॉन दाऊद के भाई इकबाल कास्कर ने मुंबई में डरा धमका कर वसूली के लिए कोर्ट बना रखे थे। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव। राम रहीम के खिलाफ खबरें दिखाने पर बाबा की कुर्बानी गैंग ने न्यूज 18 इंडिया को चिट्ठी लिखकर धमकी दी। 34 दिन से फरार हनीप्रीत के परिवार ने उसे सरेंडर कर कानून का पालन करने की अपील की। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा वो जहां भी उसको सरेंडर करना चाहिए। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 बदमाशों ने निजी बस के ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बनाकर सवारियों से लाखों रुपए लूट लिए। लगातार 3 मैच हारकर सीरीज गवा चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम पर चौथे वनडे में सम्मान बचाने की चुनौती।